हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, हाउ इज माई बच्चा पार्टी, मेरी बच्चा पार्टी कैसी है? आई होप मस्त है एकदम बच्चा पार्टी। तो आज हम फिर आ गए हैं हमारे आइंस्टीन एवं सुपर आइंस्टीन की खोज डे 7 में, है ना। बहुत ही जल्दी ये 10 दिन समाप्त हो जाएंगे और फटाफट फटाफट विनर वाली घड़ी भी आ जाएगी। तो हाउ इज द जोश बच्चा लोग, क्या थर्मामीटर को तोड़ेगा आपका जोश? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपका जोश थर्मामीटर को तोड़ सकता है? चलिए, आई होप आपका जोश थर्मामीटर को तोड़े ऐसा होगा। मैम, आज का चैलेंज क्या है? तो भाई है आज सिंपली आईक्यू चैलेंज, कि भाई आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है प्लस आप कितने फास्ट हो। भाई आईक्यू वाले क्वेश्चन आप कर तो लेते हो, है ना, जहां पर दिमाग लगाना होता है आप कर तो लेते हो, लेकिन आपकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती। दोनों चीजें चेक की जाएंगी। सो आर यू गाइज रेडी? रेडी हो तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, वी आर रेडी, आई होप रेडी है। स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आप कच्चे अंडे को बिना तोड़े कंक्रीट के फर्श पर कैसे गिरा सकते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी से बच्चा, फटाफट सभी बच्चे आंसर देंगे। 30 सेकंड का समय है, उसमें से 20 सेकंड निकल चुके हैं, है ना, फटाफट। भाई आप कच्चे अंडे का बिना तोड़े कंक्रीट के फर्श पर कैसे गिरा सकते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा, फटाफट कीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स का समय मिला हुआ है। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की जो बुक है वो बाईं ओर से 8वीं है, दाईं ओर से 13वीं है, तो टोटल कितनी बुक्स हैं ये बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन 30 सेकंड के लिए फास्ट कैलकुलेशन करनी है, है ना, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है, साथ ही साथ आपकी स्पीड कितनी तेज है। जल्दी से बताओ बेटा, क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और अगर नए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। भाई अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ कि यार मैम ने इतना बड़ा मस्त कंटेस्ट रखा है, आओ कंपटीशन करो, तब तो मजा आएगा। अकेले अकेले खेलने में क्या मजा है बताओ, अब बुलाते ही नहीं हो किसी को। सभी दोस्तों को जरूर बुलाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए अंतिम 5 सेकंड इस प्रश्न के लिए, जल्दी करो बेटा, अंतिम 5 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स का समय मिला है। चलिए भाई, सी को कौन सा आपका नंबर डिनोट करेगा आपको ये बताना है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट कीजिए बेटा, मैं साइड में अट गई हूँ, फटाफट इसका आंसर दीजिए बच्चा। जल्दी से करेगा बच्चा पार्टी, फटाफट। अंतिम 5 सेकंड बच्चा इस प्रश्न के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकंड का समय है आपके लिए बच्चा पार्टी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार 2 बार लिख दें आप, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार 2 बार लिख ले तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बच्चा, 30 सेकंड में से 15 सेकंड निकल चुके हैं बेटा, अंतिम 15 सेकंड इस प्रश्न के लिए, फटाफट करेंगे। पेन चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, है ना। आप में से कुछ बच्चे आगे चलकर साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, तो भाई उसके लिए दिमाग तो तेज होना चाहिए और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग जरूर तेज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकंड के लिए है बेटा ये क्वेश्चन,
30 सेकंड्स के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। मित्रों के एक समूह में दो की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, दो का विवाह विच्छेद हो चुका है यानी डाइवोर्स हो चुका है। वे सब चार बच्चों को साथ में लेकर पिकनिक पर गए, तो पिकनिक में टोटल कितने लोग गए? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा, फटाफट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट करेंगे। 30 सेकंड में से 20 सेकंड निकल चुके हैं, अंतिम 10 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट करो बच्चा फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपका समय समाप्त हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन 4:30 seconds, 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जल्दी से बताइए बच्चा फटाफट। जल्दी करो बच्चा, अंतिम 5 सेकंड बेटा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट करेगा मेरा बच्चा फटाफट। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। 30 सेकंड के लिए है भाई ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये बताना है। चलो फटाफट, समय स्टार्ट हो चुका है, 5 सेकंड निकल भी चुके हैं, 25 सेकंड्स हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में आपके आंसर नाचने चाहिए, है ना, टन 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 टारा, है ना, ऐसे गाने पे मस्त नाचने चाहिए, या फिर चल छैया छैया पे, है ना, मस्त आपके आंसर नाचने चाहिए, इतनी स्पीड में आपके आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट करो, अंतिम 5 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। जल्दी करो बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन 4:30 seconds, राखी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के मामा का लड़का है, उस लड़के से राखी का क्या संबंध है? चलो बताओ। जल्दी करो बेटा फटाफट, अंतिम 5 सेकंड इस प्रश्न के लिए बच्चा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, अगेन 30 सेकंड के लिए भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, तो स्पीड में बन जाते हैं, फटाफट फटाफट भाई। 7वां दिन है आज आइंस्टीन एवं सुपर आइंस्टीन कंटेस्ट का, है ना, जो जीतेगा 1000 रुपया और 500 रुपया मिलेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने इंटरव्यू होगा आपका, है ना, आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं अपना इंटरव्यू। अंतिम 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, 15 सेकंड, ओनली फॉर 15 सेकंड, ये क्वेश्चन तो लल्लू क्वेश्चन है, फटाफट देख के आंसर लगाने वाला है, फटाफट बेटा फटाफट आंसर दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना भाई, आपको बता रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। अगेन 30 सेकेंड्स, फटाफट बेटा भाई, आज आपका दिमाग के साथ साथ आपकी स्पीड भी चेक होगी। जल्दी से बताओ बच्चा, 30 सेकेंड के लिए है ये क्वेश्चन, 20 सेकेंड निकल चुके हैं, अंतिम 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए समय समाप्त, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अगेन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा तो किसी क्वेश्चन के लिए आपको आज मिलने ही नहीं वाला है समय। फटाफट भाई देखे जरा किसमें कितना है दम, है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, हमें IAS बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, मैं भी तो जानू कौन कौन लायक है ना। तो भाई फटाफट कीजिए बच्चा, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो ताकि वो भी इस कंटेस्ट का पार्टिसिपेट कर पाए इस कंटेस्ट में और जीत पाए। ठीक है, चलिए बताइए, अंतिम 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए बच्चा फटाफट बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी है बेटा आपका 30 सेकेंड के लिए, चलो फटाफट बताओ। जल्दी से बताओ बच्चा, अंतिम 5 सेकंड बेटा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बच्चा ये थे आपके IQ बेस्ड क्वेश्चन, और आज था हमारा जो डे नंबर था वो था 7, है ना। तो आई होप आपने इन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट किया होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो भाई मिलेंगे डे 8 में नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।